दोस्तों, वेइंग मशीन इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इस्तेमाल करते समय वेइंग मशीन को रखने की सही जगह, अपना वज़न करने का सही वक्त और तरीका, एक्यूरेसी, प्रसीजन और एवरेज रीडिंग की बेसिक जानकारी, और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक सही वेइंग मशीन को खरीदना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर वेट लॉस करते समय आप वेइंग मशीन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो और ज़्यादा वेट लॉस करने के चांसेस 30% तक कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वेइंग मशीन का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं तो एक गलत रीडिंग आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है और आपको डीमोटिवेट कर सकती है। वेइंग मशीन इस्तेमाल करते समय सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको वेइंग मशीन किसी सख्त जगह पर या हार्ड सरफेस पर रखनी है। आइए देखते हैं कि जब हम वेइंग मशीन को सॉफ्ट जगह पर रखते हैं तब क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त वेइंग मशीन में वजन 76 के आसपास आ रहा है। इस वक्त ये मशीन फर्श पर रखी हुई है। अगर मैं इस मशीन को यहाँ से हटाकर किसी कारपेट पर रख दूँ और वजन करूँ तो आप देख सकते हैं कि रीडिंग में कितना बदलाव आ गया। इसलिए अपनी वेइंग मशीन को हमेशा हार्ड फ्लोर पर रखें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपना वज़न आपको सुबह खाली पेट बाथरूम जाने के बाद और फ्रेश होने के बाद करना है। दोस्तों, रात में हमने जो खाना खाया होता है उसका भी कुछ वज़न होता है, इसलिए हमेशा खाली पेट वज़न करें ताकि आपको सही रीडिंग मिले। वज़न करने का बेस्ट टाइम सुबह का टाइम होता है। कोशिश करें कि आप अपना वज़न एक ही टाइम पर करें। जैसे कि अगर आप रोज़ सुबह 7 बजे फ्रेश हो जाते हैं तो कोशिश करें कि अपना वज़न 7 बजे के आसपास ही करें। तीसरी चीज़ आप ये ध्यान रखें कि वज़न करते समय आपने जितने हो सके उतने कम कपड़े पहने हों, क्योंकि कई बार कपड़ों का ही वज़न 2 से 3 किलो या उससे ज़्यादा भी होता है और हम ऐसे ही परेशान होते रहते हैं कि हमारा वज़न बहुत बढ़ गया है। इसके साथ ही वज़न करते समय चप्पल या जूते ना पहने और नंगे पांव अपना वज़न करें। अगर आप नहाने से पहले या उसके बाद अपना वज़न करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस टाइम आप वैसे ही अपने कपड़े बदलते हैं। चौथी बात दोस्तों, आप ये ध्यान में रखें कि पहली बार जब आप वेट लॉस करना शुरू करें या नई मशीन खरीद कर लाएँ तो अपना वज़न करते टाइम 4 से 5 बार मशीन पर खड़े होकर अपना वज़न नोट करें और उसकी एवरेज निकाल लें। जैसे मान लीजिए कि पहली बार आप मशीन पर खड़े हुए तो आपका वज़न 60 किलो आया, दूसरी बार 60.5 किलो आया और तीसरी बार 60.2 आया। तो इस तरह से 4 से 5 बार करें और जितना भी रीडिंग आए उसको आपस में जमा कर लें। और जितनी बार आपने रीडिंग ली है, यानी 4 बार ली है तो 4 से या 5 बार ली है तो 5 से डिवाइड कर दें। इसे कहते हैं एवरेज। और ये जो वज़न की रीडिंग आपको हर बार अलग मिल रही थी, इसे कहते हैं प्रिसीजन। एक अच्छी वेइंग मशीन की रीडिंग में 200 से 300 ग्राम से ज़्यादा बदलाव नहीं आता। अगर आपका वज़न 60 किलो है और मशीन 60 ही दिखा रही है तो इसे कहते हैं एक्यूरेसी। तो वेइंग मशीन खरीदते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रिसाइज हो। एवरेज निकालने का फायदा ये होता है दोस्तों कि आपको अपने एकदम सही वजन का पता चल जाता है। ये एवरेज वाला काम आपको सिर्फ एक बार ही करना है। आगे से आपको सिर्फ एक बार ही अपना वजन करना है। पांचवी बात ये ध्यान रखें कि जब भी आप वेइंग मशीन पर खड़े हों तो ये ध्यान रखें कि आपकी वेइंग मशीन 0 दिखा रही हो। कई बार वेइंग मशीन की रीडिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है और आपके खड़े होने से पहले ही वेइंग मशीन 3-4 किलो वजन दिखा रही होती है। यानी जब आप वेइंग मशीन पर खड़े होंगे तो आपकी मशीन आपका वजन 3 से 4 किलो ज़्यादा दिखाएगी। इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए आप अपनी मशीन को रीसेट कर सकते हैं या फिर उसकी बैटरी निकालकर दोबारा डाल सकते हैं। छठी बात आप ये ध्यान रखें कि हर वेइंग मशीन अलग होती है और हर मशीन अलग वज़न दिखाती है, इसलिए बाजार जाकर अपना वज़न ना करें और घर पर ही एक अच्छी मशीन खरीद कर रखें। एक अच्छी वेइंग मशीन का अमेज़न लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो आज ही आप अमेज़न से उसे खरीद लें। सातवीं बात आप ये ध्यान रखें कि वेइंग मशीन को आप एक ही जगह पर रखें और इसे अलग अलग जगह शिफ्ट ना करें। इसके साथ ही वेइंग मशीन एक प्लेन समतल जगह पर रखी हो। वेइंग मशीन को अगर आप अलग अलग जगह पर रखेंगे तो उससे उसकी रीडिंग में फ़र्क आ जाता है। इसके साथ ही वेइंग मशीन को स्लोप पर रखने से भी वेइंग मशीन की रीडिंग में फ़र्क आ जाता है। तो अगर आपने वेइंग मशीन अपने बेडरूम में रखी है तो उसे वहीं रहने दें और वहीं जाकर अपना वज़न करें। ये बहुत ज़रूरी बात है। कुछ और बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। हर रोज़ अपना वज़न ना करें। 2 से 3 दिन छोड़कर वज़न करना काफ़ी होता है। 200 से 400 ग्राम वज़न का हिसाब ना रखें।
वेइंग मशीन में इतना एरर होता है और कोई भी मशीन आपको आपका वजन एकदम सही नहीं दिखाती, तो 200-400 ग्राम की टेंशन ना लें। वजन करते समय एकदम सीधे खड़े हों और यहाँ वहाँ ना झुकें, क्योंकि ऐसा करने से भी रीडिंग में फर्क आ जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, वेट लॉस के लिए डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उन वीडियोज को भी आप जरूर देखें और फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।